विपक्षी गठबंधन को लेकर भाजपा नेता संबित पात्रा का बयान, कहा यह घमंडिया गठबंधन स्वार्थ से भरा हुआ है, मजबूरी में किया हुआ है ये गठबंधन। आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था लोग वही थे, वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है CMP बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है CMP का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, CMP, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, US भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं, तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं।